ये देखो आपकी सरकार को बनाने और गिराने में भी हमारा सहयोग हो सकता है, ये ध्यान रखें। तो हम तो गवर्नमेंट चाहे हमारी तरफ से हम एलजी को भी यही कहना चाहते हैं, आतिशी मैडम को भी यही कहना चाहते हैं, केजरीवाल से भी हमने यही रिक्वेस्ट करी थी कि भी हमारी मांगों को जायज है, इसीलिए हम कह रहे हैं कि मांग लो, नहीं मानोगे दो महीने बाद इलेक्शन है, खुद परिणाम भुगत लोगे। जहाँ से हर जगह से उड़ते नजर आयो यहाँ से उड़ जाओगे। जो हम इतना सम्मान दे रहे हैं तुम्हें, उस सम्मान को ले लो, या तो आराम से सम्मान ले लो, वरना फिर परिवार में हमारे 10-10 मेंबर हैं, हर परिवार में 10-10 मेंबर है। ये मत समझना कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो धरने में नहीं आ रहे तो वो सहयोग नहीं करेंगे। नौकरी सबको प्यारी है, सबको नौकरी चाहिए, सबके बच्चे भी जागरूक है। केजरीवाल क्या कर रहा है, आतिशी क्या कर रही है, या फिर बीजेपी हमारे लिए क्या करेगा। तो मैं वही चाह रही हूँ कि भाई गवर्नमेंट से भी हमारी ये रिक्वेस्ट है कि हमारे काम में अड़ंगा मत अड़ाओ, हम प्यार से सम्मान से जो हमारा एक बनता है अधिकार उसी की हम मांग कर रहे हैं आप लोगों से। अभी मेरे भाई बहनों को मेरा नमस्कार। गैस टीचर ऐसा नहीं है कि हम बिना डिग्री के इन्होंने ली है, सारी चीजें हमारी देखी गई, पूरा वेरिफिकेशन किया गया। उससे पहले नहीं लग रहा था इनको कि हमारे अंदर क्वालिफिकेशन है कि नहीं है। इसके लिए हमारी सरकार को जागरूक होना चाहिए या नहीं? हम अपना अधिकार मांग रहे हैं, हम भीख नहीं मांग रहे। जब तुम हमें रजिस्टर पकड़ाते हो तब क्यों नहीं सोचो कि तुम गैस टीचर हो, तुमसे कितना काम हो पाएगा? तब तो तुम बराबर का काम लेते हो हमसे। तो भी हम अपना अधिकार मांग रहे हैं, हम अपने अधिकार की बातें कर रहे हैं, हम भीख नहीं मांग रहे, उतना हम काम दे रहे हैं आपको कर करके। आप ये देखो 8 पीरियड हम लेते हैं, क्लास टीचरशिप हमारे पास होती है, चार्जेस हमारे पास होते हैं, काम तो आप हमसे पूरा पूरा ले रहे हो, सैलरी हमें तिहाई भी नहीं देना चाह रहे। तिहाई में से भी छोटो कि 3 महीने तो हमें बिल्कुल सैलरी नहीं दी जाती, तो क्या इसमें हम अपना अधिकार भी नहीं मांग सकते? डीटीसी वालों को देख लो, आपने बाद में भर्ती किया और उनकी सारी मांगे मांगने को मानने को तैयार हो। हमने मान लिया कि हम अध्यापक हैं, हम सम्मान रखते हैं, सम्मान के साथ हम अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, तो इसका मतलब हम बेशर्मी पे उतरे हम तुम्हारे साथ? या अगर तुम बेशर्मी पे उतरवाना चाहते हो कैसा आप चाहते हो उसी तरीके से, क्योंकि देखो हमारे एक अध्यापक जब अच्छाई सिखा सकता है उसे सब चीजें आती हैं, समाज का नागरिक भी है वो। अगर हम समाज के नागरिक हैं तो हमें सारी भाषाएं भी आती होंगी।